दान पे कैसे कह सकते हैं, दो ही राउंड हुए, अभी 13 राउंड है, तो अभी 11 राउंड बाकी है। क्या उम्मीद की जा रही है, क्या परिणाम होंगे? जीत रहे हम लोग, कुछ ही समय बाकी है, कुछ समय बाकी है, बस रिजल्ट सामने आ जाएगा। 3 राउंड क्लियर हो चुके हैं, 10,000 की लीडर से कहां तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, तो कैसे आप इसको? अभी बाकी है। कितना अंतर मानते हैं आप इस जो लीड आई है इसको कवर अप करके, कितना मार्जिन? अंतर तो आप लोगों के सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। आप जितना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, इसका कारण क्या है इस कॉन्फिडेंस का? जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया है और बीजेपी ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दे के भेज दिया है, तो हमेशा आदमपुर में ही रहने वाली हूँ। ये इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ, काम करूंगी लोगों के बीच में, स्वीकार आज नहीं तो कल कर ही लेंगे, और मुझे लगता है मुझे स्वीकार कर चुके हैं। परिणाम चाहे कुछ भी है, आदमपुर में ही रहेंगे? बिल्कुल, आदमपुर में रहने वाली हूँ। अब तो कुलदीप जी को भी मतलब एहसास हो गया है कि अब तो रहना ही पड़ेगा, असली मायने में जो विधायक काम करता है करना ही पड़ेगा, वो चाहे हारे फिर भी वो जनता के बीच में रहेंगे, इस बार मेरा दावा है, क्योंकि ये हमारी मेहनत का परिणाम है और हमने अपनी मेहनत के बलबूते पे ये दिखा दिया है कि अगर कोई चुनाव लड़ता है, राजनीति में आता है, तो उसको सेवक बनना ही पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। और ये आप सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी सेवा के माध्यम से जरूर यहाँ की विधायक बनूंगी। ये चुनाव कुलदीप को शिक्षा देने के लिए थे या जीत हासिल करने के लिए लड़ा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के काम होते हैं ना, जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से मनोहर लाल जी करते हैं, हार जीत तो छोड़िए, जीत उसी की होती है जो जनता के बीच रहता है और जनता जिसको मानती है कि सही मायने में नेता कौन है। तो मैं एक नेता जो है वो मेरी छवि नेता वाली बन चुकी है, 15 दिन में इस आदमपुर की नेता मैं कहला चुकी हूँ और सब लोग मुझे स्वीकार कर चुके हैं। सोनाली फोगाट और विवाद पैरेलल चलते हैं, विवाद तो में भी कुछ ऐसा हुआ, विवाद तो बनाए हुए, छोटी छोटी चीजें क्रिएट की गई हैं, बनाए हुए हैं, और उसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा, सब लोगों ने मदद की है, सबको क्लियर हो गई थी चीजें। चुनाव में आपने धांधली के आरोप लगाए थे, जिस हिसाब से रुझान देख रहे हैं, तो उसको क्या कहना? वो सेम वो रिजल्ट आपके सामने जो ये लीड दिखा रहे हैं ना, ये बूथ कैप्चरिंग और वो जो चीजें हुई थी, वो उसी का परिणाम है। क्या कहीं कोई आपको रीपोलिंग के लिए, आपने इसके लिए? रीपोलिंग के लिए मैंने कहा था, देखिए मेरा पहला चुनाव था, मुझे पता नहीं था कहाँ कहना है क्या करना है, तो मैं वहाँ उलझी रही, और रीपोलिंग होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, जो अभी रिजल्ट हम देख रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस हो और पॉलिटिक्स में आए हो, तो दोनों के टाइम में कैसे मैनेज कर पाओगे, किस प्रकार आदमपुर की जनता को टाइम देगा? देखिए, पहले तो आदमपुर की जनता को ही टाइम देना है, मैनेज हो जाएगा।